हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ सिंगापुर में स्कैम हुआ है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं उनकी पूरी स्टोरी बताऊँगी कि उनके साथ किस तरीके से स्कैम हुआ, किस तरीके से वो सिंगापुर में स्कैम में फंसी और उन्होंने साथ ही साथ अपने 3 से 4 लाख रुपये वेस्ट कर दिए। तो आज मैं उनके बारे में सब कुछ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे वो वहाँ पर गई, किस तरीके से उनके साथ स्कैम हुआ और किस तरीके से उनसे पैसे वसूले गए। उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, उनके पैसे भी वेस्ट हुए, और जो इंटरनली उनको हर्ट हुआ वो तो खैर एक अलग बात है। तो गाइज, मेक श्योर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी जो सब्सक्राइबर हैं फ़ीमेल हैं और साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, हिंदी उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, और हम लोग एक बार सिंगापुर में मिले हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती। एक बार नॉर्मली हम लोगों की हाय हेलो हुई थी सिंगापुर में, और उस टाइम वो विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च कर रही थी। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट होने से पहले, विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इफ़ यू आर इन सिंगापुर। दुबई, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि मैम दुबई में हम लोग विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, सिंगापुर के अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं और कनाडा के अलग हैं। हर कंट्री का अपना रूल होता है, आप सिंगापुर में विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च नहीं कर सकते हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम और आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी, और एट द सेम टाइम जितने भी प्रूफ्स हैं, उनका वीज़ा है या जो भी हमारे बीच चैट हुई है, वो सब कुछ मैं वीडियो के एंड में एडिट कर दूंगी, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें। तो गाइज, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं वो मुझे एक बार सिंगापुर में मिली, हमारी हाय हेलो हुई, और वो उस टाइम विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी सिंगापुर में जॉब सर्च करने के लिए आई हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक जॉब नहीं मिला है। उस टाइम मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि गो बैक टू योर कंट्री, और आप ऐसे विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वहाँ का जो कानून है, लॉ है, आप उनकी नज़रों में आ रहे हो। बाय चांस अगर किसी को भी गलती से पता चल जाता है कि आप सिंगापुर में विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च कर रहे हो, तो आपको काफ़ी हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और साइड बाय साइड आपकी एग्जिट हो जाओगे आप सिंगापुर से परमानेंटली, दोबारा आ भी नहीं पाओगे, और पासपोर्ट पर रेड स्टैम्प लग जाएगा, वो एक अलग बात है। तो उस टाइम मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन होता है ना कि जब आप किसी को मतलब अच्छी चीज़ समझाते हो तो वो उसको समझ में नहीं आती, आप किसी को बेकार चीज़ बताओगे, गलत चीज़ बताओगे, तो वो उस पर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें लगा शायद मैं ऐसे ही बेकार की बातें कर रही हूँ, उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और वो इग्नोर करके अपने हॉस्टल में चली गई। हमारी हार्डली 5 से 10 मिनट बात हुई थी, 5 से 10 मिनट की बात में ही मैंने उन्हें बोला कि आप विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, गो बैक टू योर कंट्री, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी, तो फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया। गाइज, उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले, मैं जैसा कि मैंने बोला, मैं आपको सारी चैट वीडियो के एंड में दिखा दूंगी, उनका मेरे पास मेल आता है कि जयश्री, आई एम रियली सॉरी, उस दिन आप मुझे इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, और मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है वो लड़की, मम्मी पापा दोनों ही कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है उनको, आई थिंक पैरालाइज हैं दोनों के दोनों, तो दोनों का बर्डन है उस लड़की के ऊपर, घर में कमाने वाला कोई है नहीं, वो अकेली लड़की स्ट्रगल करके अपने पेरेंट्स की मेडिसिन और सारी चीज़ें देखती है। और फिर उसने मुझे अपनी सारी कहानी बताई, उसके बाद मैंने उसे अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया, व्हाट्सएप पर हमारी बातचीत हुई, तब उसने मुझे बताया कि उसने 2 महीने सिंगापुर में वेस्ट कर दिए विज़िट वीज़ा पर जॉब सर्च करने में, और उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, इतना स्ट्रगल किया उसने वहाँ, इतना बेवकूफ़ उसे लोगों ने बनाया, और शर्म की बात तो ये है कि जो साउथ इंडियन हैं उन्हीं लोगों ने उसका बेवकूफ़ बनाया। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है आपको कि हम इंडियंस जो हैं बाहर फॉरेन कंट्री में अगर मिलते हैं तो लोग एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, स्पेशली मैंने सिंगापुर में देखा है, मोस्टली जितने भी फ्रॉड हैं, चीटर्स हैं, मैंने बहुत सारे एजेंट्स ऐसे देखे हैं जो साउथ इंडिया से हैं और लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। तो मैं उन लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी का ऐसे बेवकूफ़ ना बनाएं। तो उससे फिर मेरी व्हाट्सएप पे बातचीत हुई, उसने मुझे बताया कि उसने ऑलमोस्ट 3 लाख रुपये वेस्ट कर दिए हैं, और गाइज़ आप समझ सकते हो
जो लड़की अपने माँ बाप का खर्च उठा रही है, अपने फैमिली को चला रही है और सब कुछ अपने दम पे कर रही है, उसके लिए 3 लाख रुपए कितनी बड़ा अमाउंट है। फिर खैर हम आगे बढ़े तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर उसे किसी ने बोला कि आप विजिट वीज़ा पर आ जाओ और यहाँ पर आकर जॉब सर्च करो। वो लड़की दुबई में ऑलरेडी वर्किंग थी, दुबई से वो जॉब छोड़कर सिंगापुर आ जाती है, किसी के बहकावे में आ जाती है और वहाँ चली जाती है। वहाँ पर रह के वो जॉब सर्च करती है और 2 महीने वो वहाँ स्टे करती है। कोई साउथ इंडियन एजेंट उससे, मैं एजेंट का नाम नहीं बताना चाहूँगी, पर्सनली मैं भी उस एजेंट को जानती हूँ, जो उसने उस लड़की के साथ किया वही वो बातें मुझे भी बता रहा था, लेकिन मैं हमेशा दिमाग से काम लेती हूँ, किसी की बातों में नहीं आती, किसी पे एकदम से मैं ट्रस्ट नहीं करती एकदम से, कि एकदम से किसी ने कुछ बोला कि हाँ वहाँ पर ऐसे हो जाएगा, आपकी वहाँ पर जॉब लग जाएगी, आप एकदम से एग्रेसिव हो गए और तुरंत उसकी बातों में आ गए और जेब से पैसे निकाल के दे दिए। तो नहीं, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो उस एजेंट ने मुझे भी कुछ इस तरीके की कहानी बताई थी, मैं एजेंट का नाम यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी। तो गाइज हुआ ये, उस एजेंट ने उस लड़की से बोला कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। और उस लड़की ने स्टार्टिंग में पहले कुछ पैसे दिए, 1000-1500 जो भी दिया होगा उसने दे दिया, $1500। उसके बाद उसका सारा डॉक्यूमेंट ले लिया गया, उससे बोला गया कि आपका पास अप्लाई कर दिया गया है। उस लड़की को 15 दिन वेट करने के लिए बोला गया। आफ्टर 15 डेज उससे ये बोला जाता है कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया है और आपको दोबारा से $200 पे करना पड़ेगा। फिर उस लड़के ने दोबारा से $200 पे किया, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, उसे तो जॉब चाहिए था। उसने दोबारा से $200 पे किया और पे करने के बाद क्या होता है, उससे फिर बोला जाता है कि आप 15 डेज वेट कीजिए। तो गाइज उस लड़की से फिर से पैसे लिए जाते हैं और ऐसा उसके साथ 3 से 4 बार किया जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। और जब तक वो लड़की 3 लाख रुपए पे कर चुकी होती है, तब तक उस लड़की से बोला जाता है कि आपको किसी पार्ट टाइम जॉब पे लगवा देते हैं। उस लड़की को किसी रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बर्तन धोने के लिए उसको वहाँ पर रख लिया जाता है। डिश वॉशर की उसको जॉब दे दी जाती है और उससे बोला जाता है कि एट द एंड आपको पैसे पे कर दिए जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनको कभी कभी क्या होता है, वीकली पे किया जाता है, कभी कभी 5 डेज में भी पे कर देते हैं, बट मंथली पे किया जाता है ऐसा मैंने बहुत ही कम सुना है। तो जितने भी लोग पार्ट टाइम पर जॉब कर रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान रखें कि वीकली उनको पे किया जाता है या 5 डेज में वीक पे किया जाता है, या फिर कोई कोई 2 दिन में और पर डे का भी पे कर देता है। तो उस लड़की से बोला जाता है कि आप यहाँ पर जॉब करो और आपको डिश वॉशर की जॉब दी जा रही है, लेकिन वो लड़की इतनी मजबूर थी, उसको घर का खर्च उठाना था, अपने पेरेंट्स की मेडिसिन्स का ख्याल था उसको, बहुत सारी चीज़ें थी उसके सर के ऊपर, तो उसने वहाँ पर डिश वॉशर की भी जॉब की। और बाद में क्या होता है, जो एजेंट था वो फिर से उसके पास आता है पैसे मांगने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे उस लड़की ने बताया, जो एजेंट था वो एजेंट जब भी उससे पैसे मांगने आता था वो हमेशा शराब पी के आता था, ड्रिंक किए होता था, उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती थी और वो लड़की से पैसे लेकर चला जाता था। और ऐसे उसका बहुत बार बेवकूफ़ बनाया गया और ऐसे कर करके उससे 3 लाख रुपए पे निकलवा लिए गए और उस लड़की से काम करवाया गया, रेस्टोरेंट में उससे बर्तन धुलवाए गए। और उसके बाद जब पास नहीं आता है और उस लड़की का टिकट जो उसने कराई हुई थी 2 महीने बाद की इंडिया की, तो उस लड़की से बोला जाता है कि अभी आप इंडिया चले जाओ, आपका टाइम पास आ गया, आपके टिकट्स हुई हैं ऑलरेडी और आप चले जाओ, जैसे ही आपका एस पास आ जाएगा हम आपको दोबारा से बुला लेंगे। और उस लड़की ने जो काम किया था वहाँ पर रेस्टोरेंट में, जो बर्तन साफ़ किए थे, उसका उसको एक भी डॉलर पे नहीं किया जाता, फ्री में उससे काम कराया जाता है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप 2 महीने सिंगापुर में स्टे करते हैं विदाउट एनी रीज़न, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, आप बेफालतू में 2 महीना सिंगापुर में रुके हुए हैं, तो मेक श्योर इमिग्रेशन पे आपका बहुत अच्छा Q&A होने वाला है। इमिग्रेशन वाले आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं होगा तो हो सकता है वो आपकी आपको अच्छे से सुना भी दें। अब वो लड़की जब इमिग्रेशन पे जाती है, वहाँ से खैर वो वापस अपनी कंट्री आ जाती है, फिर उस लड़की से बोला जाता है कि आपका पास आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। जैसे वो लड़की दोबारा से, उसने बेवकूफ़ी क्या की, दोबारा से वो लड़की 15-20 दिन के गैप पे सिंगापुर जाने का प्लान करती है, लेकिन वहाँ पर इमिग्रेशन इतना स्ट्रिक्ट होता है, इमिग्रेशन पूछता है आप 2 महीने यहाँ पर रह के गए हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, आप दोबारा यहाँ पर क्या करने आए हैं? तो सिंगापुर इमिग्रेशन उसको अलाउ नहीं करता है कंट्री में एंटर करने के लिए और उसको वापस वहीं से भेज दिया जाता है। अब क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ों से? आपने 3 लाख रुपए वेस्ट किए, नंबर 1। नंबर 2, सिंगापुर इमिग्रेशन की नज़रों में आप आ गए हो, इमिग्रेशन आपसे जवाब मांग रहा है कि आप यहाँ पर 2 महीने रह के गए हो, आपने क्या किया है यहाँ पर 2 महीना जो आप रह के गए हो? क्योंकि इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो तो 3 से 4 दिन इनफ है वहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि सिंगापुर इज़ नॉट अ बिग कंट्री, बहुत छोटी सी कंट्री है,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 to 6 days में बहुत आराम से अच्छे से एक्सप्लोर कर लोगे। तो फिर आप 2 महीने वहाँ क्या कर रहे थे, तो इमिग्रेशन को आपको ये जवाब देना है। तीसरी चीज़, एजेंट ने इतना बेवकूफ़ बनाया, आपसे फ्री में काम कराया और आप इस चीज़ की रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन, सॉरी, क्योंकि पुलिस जो है वहाँ की, वो उल्टा आपको बोलेगी कि आप विजिट वीज़ा पर यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे, कि चलो अंदर आ जाओ अब आप। तो आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर पुलिस की भी हेल्प नहीं ले सकते। अगर आप सही हैं तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, पुलिस भी आपके साथ है, सिंगापुर की गवर्नमेंट आपके साथ है, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप गलत हैं, आप वहाँ पर कानूनी तौर, मतलब कानून के वहाँ को तोड़कर आप वहाँ पर विजिट वीज़ा पे पार्ट टाइम काम कर रहे हो और वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन करते हो कि मैंने पार्ट टाइम काम किया सर और इन्होंने मुझे पे नहीं किया, तो वहाँ की पुलिस आपको उल्टा टांगेगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप कंट्री में विजिट वीज़ा पर आकर ऐसे काम कर रहे हो। तो आप गलत थे तो इसलिए आप कंप्लेन भी नहीं कर सके। और एजेंट ने बेवकूफ़ बनाया वो अलग, 3 लाख रुपए पानी में चले गए वो अलग, 2 महीने सिंगापुर में रहे, वहाँ का खर्च उठाया, खाना पीना, सिंगापुर इज़ अ वेरी कॉस्टली कंट्री, वो चीज़ें तो अलग हैं। क्या मिला आपको एंड में? कुछ भी नहीं मिला। और जब मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब आप मुझे सिंगापुर में मिली थी वो लड़की, जब मैंने उसको समझाया कि आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, विजिट वीज़ा पर कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ्रेंड कोई भाई यहाँ पर कोई काम नहीं आता है, जो आपको करना है वो अपने आप से करना है, किसी की हेल्प के चक्कर में आए हो कि कोई आपकी हेल्प कर देगा, कोई आपकी जॉब लगवा देगा, तो ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन तब उनको मेरी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जब उनका सब कुछ बेकार हो गया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आई वॉज़ राइट, और मतलब मैं राइट थी और वो जो भी सोच रही थी वो सारी चीज़ें गलत थी। तो माई डियर सब्सक्राइबर्स, माई डियर फैमिली, मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगी, विजिट वीज़ा पर जाकर ऐसे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी एजेंट ऐसे आपसे बार बार पैसे मांग रहा है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, दोबारा से फ़ीस दे दो, इतना पैसा और चाहिए, आपका वीज़ा दोबारा से कैंसिल हो गया है, तो ये सिर्फ उनके टैक्टिक्स होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एजेंट्स का बेवकूफ़ बनाने का ये फंडा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको साउथ इंडियन एजेंट्स मिलेंगे जो हम इंडियंस का ही बेवकूफ़ बनाते हैं और हमसे पैसे ले ऐंठ लेते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो बार बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ, दिमाग से काम लो। ऑनलाइन इतने सारे जॉब पोर्टल्स हैं, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स की जॉब लगी है, तो आपकी क्यों नहीं लगेगी? आप भी ट्राई करो। और कहीं पर भी लैग कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो एनी टाइम यू कैन मेल मी, यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। और बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रिप्लाई। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।